चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए PAT के जो आपके एग्ज़ाम हैं उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज का आपका मॉक टेस्ट रहेगा। आपके PAT के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना, ठीक है। PAT होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। तो इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आवेदन 31 अगस्त से स्टार्ट हो गया है इसका, और इसकी लास्ट डेट जो है 14 सितम्बर है ना। उसके बाद अगर आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप 31 अगस्त से 19 सितंबर तक उसमें आप सही करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है, आपकी एग्ज़ाम है आपकी 15-16 अक्टूबर को। कब एग्ज़ाम है आपकी? 15 या 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है PAT की, ठीक है। 15-16 दो दिन आपकी एग्ज़ाम रहेगी, किसी का 15 किसी का 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचे हुए मात्र आज 40 दिन। तो मैं आज आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं, तो आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो PAT के ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करते के लिख देना कि PAT फ्री क्लास 9753749986। PAT का फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो ये लिख देना, ठीक है। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। ये आपका पेपर है 2019 का, ठीक है। देखो PAT में अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, किसी का मैथ्स सब्जेक्ट रहेगा, किसी का एग्रीकल्चर, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तो इसमें सब अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स में फॉर्म भर सकते हैं। जिसका अगर मैथ्स है तो वो अलग से 100 नंबर का मैथ्स आएगा, जिसका एग्रीकल्चर है तो 100 नंबर का एग्रीकल्चर आएगा। एक पेपर आपका अलग से होता है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन। बायोलॉजी का आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि BCG निम्नलिखित की एक वैक्सीन है। BCG किसकी एक वैक्सीन हो जाएगी? पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। तो आप सभी को पता है कि BCG जो होता है, BCG कुष्ठ रोग, पोलिया, खसरा या यक्ष्मा। तो BCG जो होता है ये यक्ष्मा के एक वैक्सीन है। कई की है यक्ष्मा की आपकी BCG एक वैक्सीन हो जाएगी। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। ये बायोलॉजी वाला है, तो इसमें आपके बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। तो आप सभी को बताएं कि एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण दमा रोग होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता कौन सी नहीं हो जाएगी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ओकोजिन के नियंत्रण में होती है, स्पर्श संबंधन दिखाती है, मेटास्टेसिस से गुजरती है, या अधिकता में विभाजित होती है। तो कौन सी कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? तो ये जो होता है ना, संपर्क निषेध दिखाती है, ये कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा आदिम फोटोबायोलेट से उत्पन्न होता है? कौन सा आदिम जो होता है फोटोबायोलेट से उत्पन्न होता है? आदिम प्राकेंद्रिक, उन्नत सुकेंद्रित, मेसोकैरियोट या आदिम सुकेंद्रित? वेरी वेरी गुड। कौन सा आदिम फोटोबायोलेट से उत्पन्न होता है? तो आदिम सुकेंद्रित। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। आपकी डेली क्लासेस चल रही है PAT की, सुबह 9 बजे, सुबह 6:30 बजे, दिन में 3 बजे और रात की 9 बजे, ठीक है। तो ये चारों क्लासेस आपकी चल रही है, तो जिनको ऐड होना है डेली क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से आदिम वातावरण के बारे में असत्य कथन बताना है। स्वतंत्र ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, स्वतंत्र हाइड्रोजन मौजूद होता है, CO2 जलवाष्प शीतलन के परिणाम में CO2 जलवाष्प मेथेन और अमोनिया का उत्सर्जन होगा, या शीतलन के कारण कम तापमान होगा। तो आदिम वातावरण के बारे में जो गलत कथन है वो हो जाएगा कि जो शीतलन जो होता है, शीतलन के कारण कम तापमान होता है। यह आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोवा या HIV? तो HIV का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट करके बताना है। कौन सा जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेगा? तो कवक करता है, जीवाणु करता है, प्रोटोजोवा करता है, लेकिन HIV नहीं करता है। कौन से जर्म लेयर पेशियां बनाती है, मतलब जनन परत पेशियां कौन बनाएगी? एंडोस्पर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या पेरिडर्म?
कौन सी जर्म लेयर पेशियां बनाती है? वेरी वेरी गुड। 7 नंबर का क्वेश्चन, तो मेसोडर्म, मेसोडर्म हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। कौन सी जर्म लेयर पेशियां बनाती हैं? तो ये हो जाएगा मध्य स्तर, मेसोडर्म। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। आदिम पृथ्वी पर पहले जो जीव थे, आदिम पृथ्वी पर पहले जो जीव थे, परपोषित, स्वपोषी, रसोपोषी या रसोपरपोषी। आदिम पृथ्वी पर जो पहले जीव थे वो कौन से थे? तो आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे रसो स्वपोषी, रसो स्वपोषी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। व्हेल की चर्बी में रिक्त स्थान संयोजी ऊतक अंत विशिष्ट होता है। व्हेल की चर्बी में रिक्त स्थान संयोजी ऊतक अंतिष्ट होता है। कई किसमें? वर्णकित, वसायुक्त, श्लेष्मा, जालिका। तो आप सभी को पता है कि व्हेल की चर्बी में वसायुक्त संयोजी ऊतक अंतविष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ घिरे हुए विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइज होते हैं, इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? कुछ घिरे हुए विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है क्या? कि होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना, संरक्षण के लिए विरोधी एंजाइम का निर्माण करना या होस्टल सेल पर हमला करना। तो आप सभी को पता है कि कुछ घिरे हुए विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, इसका जो उद्देश्य होता है कि होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण आपका कौन सा है? गोल्जी का है, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य या नाभिक? बताइए, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि कोशिका द्रव्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, ब्रेक ब्रोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताओ। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी के वाहक का नाम बताना है आपको। एंडिस मच्छर, तत्सते मक्खी, रेत मक्खी या घरेलू मक्खी। तो ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक जो होता है वो होता है एंडिज मच्छर, एंडिज मच्छर। अगला क्वेश्चन, एलर्जी संबंधी और सूजन संबंधी अभिक्रिया में जो शामिल होता है सेटोटोनिन, हिस्टामिन, रुधिर सीरम या लसिका। एलर्जी संबंधी और सूजन संबंधी अभिक्रिया में शामिल जो होता है वो हिस्टामिन होता है। क्या होता है? हिस्टामिन होगा। प्रथम प्रोसिमियन नर वातावरण निम्न में से जो उत्पन्न हुआ वो कब हुआ? प्रथम प्रोसिमियन नर वानरगण, मतलब प्रोसिमियन निम्न में से जो उत्पन्न हुआ, फलभक्षी बंदर, कपी, कीटभक्षी जैसे वृक्ष मंजूर या वृक्षी स्तनधारी। तो आप सभी को पता है कि प्रथम प्रोसेमियन नर वातावरण जो हुआ वो है कीट पक्षी जैसे वृक्ष मौजूद। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चिपिट नासा की को निम्न नाम से जाना जाता है, मतलब प्लेटी रेनी को किस नाम से जाना जाता है? प्लेटी रेनी को किस नाम से आप जानते हो? तो ये तो आप सभी को पता है कि प्लेटी रेनी को हम जो जानते हैं ना, प्लेटिनरी को हम जो जानते हैं वो नई दुनिया का बंदर, कौन सा? नई दुनिया का बंदर है, जिसे हम कहते हैं चिपिट नासा। अगला क्वेश्चन, एक प्रजननक्षम महिला में नियमित मासिक धर्म की अनुपस्थिति का सबसे संभावित कारण जो होता है हार्मोन्स में असंतुलन, कैंसर या कभी भी हो सकता है या निषेचित डिम। तो एक प्रजननक्षम महिला में नियमित मासिक धर्म की अनुपस्थित जो होती हैं वो निषेचित डिंब में होगी। किस में होगी? निषेचित आपकी डिंब में होगी। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतति नियमन मतलब बर्थ कंट्रोल की सबसे प्राकृतिक विधि, बर्थ कंट्रोल की सबसे प्राकृतिक विधि है हार्मोन विधि, लय विधि, रोधिका विधि या संयम। वेरी वेरी गुड। बर्थ कंट्रोल की सबसे प्राकृतिक विधि जो है वो है आपका संयम। क्या है? संयम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कपाल की परिमुख में डाली गई अमरुद कोलेजन रेशेदार मस्तिष्क की बाहरी परत का नाम बताइए।